रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिसोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास एवं धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की जा रही है समीक्षा बैठक। बैठक में झारखंड राज्य के कई उपायुक्त ने हिस्सा लिया। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग से आए वरीय पदाधिकारियों को राज्य में चल रहे मतदाता सूची के लिए चल रहे पुनरीक्षण कार्यक्रम की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान विधि व्यवस्था के साधारण संबंधित जानकारियों से अवगत कराया। बराबर रह गया, केवल 0.03 है, वही कम हुआ, उसका कम नहीं कर हो सकता, बराबर रही। फिर भी अभी वर्तमान में भी उसके बारे में चर्चा हो रही थी, 14% का ऐसा बढ़ा सकते हैं, उसमें इम्प्रूव नहीं होने के लिए क्या कारण था, उसमें जिला वाइज क्या समीक्षा है वो कराया जा रहा है, उसका बंधन आगे वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी उसमें काम करें। सर पिछले बार 5 चरण में चुनाव हुए थे विधानसभा के 2019 में, सर इस बार उम्मीद क्या करें, कितने चरण में होते हैं अभी वो असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु वो 5 चरण में वो नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। अभी कितना चरण में होगा अभी बोलना उचित नहीं होगी, अभी वो फाइनल डिस्कशन कमीशन लेगी, फिर भी 5 चरण में नहीं होगा, उसका काम नहीं होगा। अच्छा वोटर रोल जो है वो काफ़ी मतदाताओं का नाम छुपा हुआ है, इस पर क्या चर्चा हो सकती है, उसमें कितना वोटर छुपा हो उसका सबका एनरोलमेंट करने के लिए निर्देश दी गई कमीशन ने, अभी कमीशन का सीनियर पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है उसमें, उसमें हम लोग भी प्रत्येक घर घर जाके वो बीएलओ समीक्षा कर रहा है उसमें, उसमें हम लोगों का ये भी अनुरोध है सभी पॉलिटिकल पार्टी है सभी झारखंड का वो नागरिक है उनका उम्र 18 ऊपर हो गया उनका अपने मतदान से चर्च कर लें, इवन बी एल ओ भी मेहनत कर रहा है उसके साथ में पब्लिक का भी कॉपरेशन चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का भी चाहिए उसमें, इसलिए अपने क्षेत्र का भी पूरा चेक करने के लिए हम चाहते हैं।